चलिए बेटा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास प्लस टू के यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने बेटा रे ऑप्टिक्स फुल फ्लैश कंप्लीट कर ली है। प्लीज अगर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है सो प्लीज टेलीग्राम चैनल आप लोग डाउनलोड कीजिए, फिजिक्स विद रिंपल मैम। आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरा चैनल मिल जाएगा, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर आपको वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर आप यही वीडियो, यही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे, 100% बच्चे आप लोगों के 70 में से 70 जो ऑप्टिक्स में जितने भी आपके मार्क्स होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, यहां से आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बेटा यूनिट 6 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 6 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज, तो मैं यहां इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। चलिए बेटा जी, रे ऑप्टिक्स के ये 8 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करके जाओगे 100%, यहां से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ध्यान से आपको सुनना है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्टिक्स का आएगा ही आएगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपके रे ऑप्टिक्स में से पूछ लिए जाए, ऐसे होने के चांसेस 60-70% है। आपको रे ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नंबर वन इज अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के बेटा 3 केसेस हैं, एक है कन्वेक्स का केस और दूसरा है कनकेव का केस, ठीक है। टोटल मिला के आपके 3 केसेस हैं मिरर फॉर्मूला, विच इज क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट। ये क्या है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। मैं इसके बिल्कुल आगे लिख देती हूँ कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है बट वेरी लेस इंपॉर्टेंट, काफी कम चांसेस है कि ये आए कभी। अब नेक्स्ट आ जाओ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर इसकी एप्लीकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि या तो ये 3 मार्क्स में आएगा या ये 2 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स में जो इसकी कंडीशन होती है ना, कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, और हमेशा जो एंगल है आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, दीज कंडीशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके 2 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है या इसकी एप्लीकेशन, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर रिसेंटली 1-2 साल में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग मतलब जो रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का आ सकता है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक्स। वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करें। बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, रिफ्लेक्शन एट सफारिकल सर्फेस। रिफ्लेक्शन एट सफारिकल सर्फेस जो बेटा ये वाले आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये रखा, यहाँ पे इमेज बन गई एक्सेट्रा, ठीक है जी। इसके टोटल बेटा 6 केस है। इसके टोटल कितने केस है, 6 केस। टोटल 6 केस कैसे हैं, कन्वेक्स के आपके 4 केस हैं और कनकेव के आपके 2 केस हैं। अगर आपको ये वाला पोर्शन डिफिकल्ट लग रहा है आप लोग कनकेव को स्किप कर दो, अगर डिफिकल्ट लग रहा है देन। और कन्वेक्स सफेरिकल सरफेस जो आपका बेटा ये वाला केस है, ये वाले यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया ये, और जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज आपकी रियल बन गई है, रियल इमेज बन गई है, या फिर आपने हवा के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया और जो आपकी रियल इमेज है वो दूसरी तरफ बन रही है, ये 2 केस अच्छे से कर लो, बहुत है। जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स को हाथ ही नहीं लगाया, कभी फिजिक्स को देखा ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट लग रही है, सिर्फ ये दो
सफिशियंट है, लेकिन जो बच्चों ने, जिन बच्चों का टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है, ट्राई टू डू ऑल द 6 केसेस, सारे के सारे केसेस आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, एक शीट बना लो, उसमें से 6 कॉलम्स बनाए और सेम डायग्राम्स को बना बना कर देखें, ताकि आपकी जो रिविजन है वो अच्छे से हो जाए। अदरवाइज इनमें से 2 केस कर लो, जो वीक स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है, 2 केस कर लो, बहुत है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज अ, सो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 केसेस है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का बेटा न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू आर्टिकल। अगर आप इसको आर्टिकल को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मान के चलोगे तो मान सकते हो, वेरी लिटिल चांसेस, ऐसे मान सकते हो कि 40-50% चांसेस है कि लेंस फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा है। सो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है। लेंस फॉर्मूला भी बेटा 3 केसेस है, 2 कन्वेक्स के केसेस होंगे और 1 कन्वेक्स का केस, कनकेव का केस होगा, कनकेव का 1 केस, कन्वेक्स के 2 केसेस। नेक्स्ट आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, अगर लेंस फॉर्मूला अगर एग्जाम में आया तो ये 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा। सिमिलरली ये भी बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। सो ये बेटा आपका 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो इसे आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, दीज बोथ आर्टिकल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। इसमें मैंने 3 के 5 के ऊपर ज्यादा टिक लगा दिया, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस इसके ज्यादा है। जैसे टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन इसके 3 मार्क्स में आने के चांसेस है, मिरर फॉर्मूला 3 मार्क्स में आ सकता है, लेंस फॉर्मूला 3 मार्क्स में आ सकता है, रिफ्रेक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस 3 मार्क्स का आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस है। जो लास्ट इज द प्रिज्म फॉर्मूला, ड्राइव प्रिज्म फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आप लोगों का 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप इतना ही पेपर में अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, आई एम 100% श्योर कि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से 100% श्योर है कि इन क्वेश्चंस में ही आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन, बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैम अगर हम रे ऑप्टिक्स ही कर लें, वेव को बिल्कुल छोड़ के चल जाए, इज इट पॉसिबल? सो बेटा 3 मार्क्स के लिए हम लोग वेव ऑप्टिक्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आए या 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आए, 5 मार्क्स में तो ये श्योर है कि एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा। हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन यहीं से आ जाए, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में से कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के यहां से बन गए। सो 5 मार्क्स के लिए आप लोग वेव ऑप्टिक्स छोड़ के जा सकते हो 5 मार्क्स के लिए। अगर हम लोग 3 मार्क्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स आपको करनी ही होगी, वेव ऑप्टिक्स हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते फॉर 3 मार्क्स। सो चलिए, आई होप आप लोगों को रे ऑप्टिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा लेंस मेकर फॉर्मूले के, लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, देन हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। सो ये न्यूमेरिकल बेटा, न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। सो ये टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। सो मैंने टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स दोनों बता दिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से 3 मार्क्स में आ सकते हैं और कौन से 5 मार्क्स में आ सकते हैं। सो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए नेक्स्ट हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं जो हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। जिन बच्चों का टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है, वो सारे टॉपिक्स करके जाएंगे, कोई भी टॉपिक
टॉपिक छोड़ के नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने वेव ऑप्टिक्स को ऑप्शन में रखा है, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करके जाना है, वो सिर्फ हाइगन्स प्रिंसिपल और पोलराइजेशन एंड बोवेस्टर्स लॉ और इंटरफेरेंस, ये 3 टॉपिक्स कर जाओ, आपके 100% 3 मार्क्स का जो आपका रिस्क होगा वो काफी हद तक कवर हो जाएगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल। बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल के 2 लॉज है, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। बोथ आर्टिकल्स आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 3 as well as 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा आएगा। सो हाइगन्स प्रिंसिपल को 3 मार्क्स में काउंट करके चले कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, आने के चांसेस ज्यादा है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से लेस है, लेकिन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसमें आप लोगों ने करना है इंटरफेरेंस, कोहरेंट जो आपकी लाइट इकट्ठी हो रही है और नहीं बन रही, ठीक है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो आर्टिकल है आपने वो करना है, दिस इज क्वाइट लेस इंपॉर्टेंट। ये 5 मार्क्स में तो 100% नहीं आएगा, लेकिन 3 मार्क्स में आने के चांसेस है, ठीक है, जिसमें कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट आर्टिकल है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर उसकी फ्रिंज विड्थ। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा है, सो इसे फोकस कर लो फॉर 5 मार्क्स। नेक्स्ट इज डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, जो कि बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत सिंपल सा और इजी सा टॉपिक है। आई डोंट नो कि बच्चों को क्यों इतना मुश्किल लगता है डिफ्रेक्शन। सो ये आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और ये इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स, क्योंकि 5 मार्क्स में ज्यादा ऑप्शंस है नहीं हमारे पास। या तो यंग्स डबल स्लिट वाला, फ्रिंज विड्थ वाला आएगा या फिर डिफ्रेक्शन वाला आएगा। लास्ट आ गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड बोवेस्टर्स लॉ, जिसके पेपर में आने के चांसेस काफी ज्यादा लेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सीबीएसई ने तो ये वाला पोर्शन उठा ही दिया, उनमें है ही नहीं। सो ये वाला पोर्शन लास्ट ईयर सीबीएसई में है ही नहीं था, सो ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में हमारे पंजाब बोर्ड में भी ये क्वेश्चन काफी कम आया था, सो इसे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मान के चलो कि थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है, 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है। अब आप लोगों को 70 out of 70 वाले बच्चों को सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जिन बच्चों ने रिस्क पे लेके चलना है, सिर्फ अपना रिस्क कवर करना है, उनको हाइगन्स प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद फ्रिंज विड्थ, बीटा फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आप लोगों ने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और लास्ट में पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है। ये छोटा सा आर्टिकल है बोवेस्टर्स लॉ, सिर्फ ये 3 आर्टिकल्स आप लोग करके चले जाओ, 100% आपकी पूरी ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें से बेटा इंटरफेरेंस की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाओ, आपका 100% पूरी फुल फ्लेज ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, कौन सी चीजें हम लोग छोड़ सकते हैं। सो आई होप पंजाब बोर्ड वाले बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल तक मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।